लॉन्चिंग हुई है दिल्ली का बुलबुल, किताब के बारे में कुछ खास बात बताइए। दिल्ली की बुलबुल महानगरों में जो वृक्ष काटे जा रहे हैं और महानगर जो बढ़ रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में जो पक्षियों की आवासीय समस्या हाउसिंग प्रॉब्लम है उससे संबंधित जो मुख्य कहानी है, परंतु उसमें बाकी जो अन्य कहानियाँ हैं ये नैतिकता और पर्यावरण पर आधारित हैं कि कैसे बच्चों की सोच बदले, कैसे हम एक ऐसे समाज में रहें जहाँ कि हम एक दूसरे के बारे में सोचें, अपने पड़ोसियों को जानें, विशेष रूप से आजकल के युग में, और कैसे हम साथ मिलकर इस पृथ्वी का संरक्षण अपने भविष्य के लिए करें। आप IAS सेवा में चुनी गई हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, लिखने का ख्याल कैसे आया? लिखने का मैंने बताया कि बहुत समय पहले मुझे भारत सरकार ने राजभाषा का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया और मैंने ही सुझाव दिया था कि इस पत्रिका निकाली जाए और फिर मुझे अपने आप उसका संपादक बना दिया गया। तो जब संपादक बनी तो मैंने संपादन भी किया, लेख भी लिखे, फिर बहुत से लोगों ने कहा कि तो बहुत अच्छी है, वो अपने आप प्रकाशित हुई और हमारे विभागों को, दो विभागों में मैंने मैगजीन निकाली, शिक्षायण और संपादन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में और सूचना और प्रौद्योगिकी में, तो दोनों में हमारे विभागों को प्रेसिडेंस अवार्ड भी मिला। तो उससे काफ़ी हौसला बढ़ा और जब कोई अगर प्रकाशन के लिए आपका लेख या कहानी चयनित करता है तो ये लगता है कि हाँ इस लायक ही होगा। अच्छा, इसके पहले और कौन सी किताब आपने लिखी? नहीं, ये मेरी पहली किताब है, लेकिन मैंने करीब 10-15 ट्रैवलॉग्स लिखे हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में, और इसके अलावा मैं थोड़ी स्टडीज़ करी हैं, पॉलिसी संबंधित स्टडीज़ करी हैं, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ या IIPA सार के डिजास्टर जर्नल के लिए चयनित हुई थी। डायनामाइट न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सकें हमारे वीडियो सबसे पहले।